असी खड़े हाँ मॉडल टाउन के अशमीत चौक के विच। ये ट्रैफिक जाम सवेरे तो लैके शाम तक जो कह दिए लागत का तेल लग जाता है। लोगों का कह रहे हैं कि फाटक जेकर खुले भी हो भी बहुत वड्डे जाम लग जाते हैं, किदा दी परेशानियां ने जो लोगों को आदियां ने? ये फाटक घंटे अद्धे घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद लगे रहिंदा। सुनने दे विच तां आया कंस्ट्रक्शन इत्थे पुल बनना चाहिए पर बन क्यों नहीं रहा? पुल बनन दा जो टाइम सीगा कह दिए तां बहुत ज़्यादा हो गया, लोग कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, की वजह है कि पुल हजे तक नहीं बन पाया? हर बार इदा ही हुंदा, जो टाइम पीरियड दिता जाता उहदे विच कदे भी काम कंप्लीट नहीं हुंदा। पंजाब च जे कह दिए जा लुधियाना स्मार्ट सिटी है नहीं, स्मार्ट सिटी बस नाम दा ही स्मार्ट सिटी है। नाम दा क्यों, बहुत कुछ बन चुका स्मार्ट सिटी दा, देखण नूं तां देख नहीं रहा फिर। सत श्री अकाल जी, मैं जसप्रीत, तुसी देख रहे हो जानी तैशी। एक बार फिर तो असी आए हैं एक नवी गलबात दे नाल। सो तुसी इस समय देख ही रहे हो, असी खड़े हाँ मॉडल टाउन के अशमीत चौक के विच, जिथे कि आम लोग जो कह दिए बड़े बड़े जामा तो बड़ा ज़्यादा परेशान ने। कह दिए ये ट्रैफिक जाम लोगों नू लखा रुपया का तेल, करोड़ा रुपया का तेल सवेरे तो लैके शाम तक जो कह दिए लागत का तेल लग जाता है। बाहरलियां कंट्रियां नू फायदा दे देंदे ने ये जाम, क्योंकि साढ़े पंजाब की कमाई है जो बाहरलियां कंट्रियां तो पेट्रोल जवर्गे खनिज आप खरीदते हैं, इसलिए कह दिए तो बाहरलियां कंट्रियां नू ही इसका फायदा हो रहा है। सो लोग कह रहे हैं कुछ गल्लां, वो गलबात है जो आप लोगों नाल गल्लां बातें करांगे, उन्हां तो पुछांगे कि की गलबात है आखिर सारी, क्योंकि इस समय तुसीं देख ही रहे हो ये जो सारा नज़ारा है, ट्रैफिक जाम है, जो वड्डे वड्डे जाम लगे हुए ने, तुसीं देखते हो बड़ी मुश्किल नाल परली साइड कह दिए ऑपोजिट साइड थोड़ी राहत मिली है ट्रैफिक की, पर इस साइड तुसीं देख सकते हो गड्डियां दी जो स्पीड है बड़ी स्लो है, पर हुण थोड़ी राहत मिल रही है ट्रैफिक तो। हर पासे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि लोगों का ही कहना है कि साढ़े चार पाँच साल है जो काम नहीं किया गया, पर हुण जांदी हुई सरकार चार जां छे महीने के अंदर अंदर सारे काम करना चाहती है। सो इत्थे आपां लोगों नाल गलबात करन की कोशिश करांगे, आम लोगों नाल गलबात करन की कोशिश भी करांगे कि आखिर जो ट्रैफिक दे वड्डे वड्डे जाम ने उन्हां नूं लैके गलबात करन की कोशिश करांगे कि आखिर किहड़ियां परेशानियां ने लोगों नूं जो आ रहियां ने। कुछ इत्थे दुकान दे विच इक सरदार जी बैठे ने, अंकल जी बैठे ने, उन्हां नाल गलबात करन की कोशिश करदे हां कि ट्रैफिक दे विच जो उरे जाम लगदे ने किदां दी परेशानियां ने जो लोक। सत श्री अकाल अंकल जी। अंकल जी, उरे सुनन दे विच आया जो ट्रैफिक जाम लग जांदे ने फाटक दे खुलन तो बाद, जां कह दईए फाटक तो उदां भी, ओह फाटक दी तां इक वजह है, पर लोगों का कह रहे हैं कि फाटक जेकर खुले भी होण तां भी बहुत वड्डे जाम लग जांदे ने, किदां दीआं परेशानियां ने जो लोगों को आउंदीआं ने? ये फाटक घंटे अद्धे घंटे बाद डेढ़ घंटे बाद लगे रहिंदा। अच्छा, मतलब अद्धे घंटे मगर 20 मिनट मगर कह दईए तां फाटक लगे ही रहिंदा? जो फाटक दा फाटक लग जांदा जाम लग जांदा, 20 मिनट 15 मिनट जाम खुलदा नहीं, उदों अद्धे घंटे पिछे घंटे पिछे फिर लग जांदा जी। कुछ रोंग साइड आउंदे आ मॉडल टाउन वालों, उन्हां नूं भी जाम लगदा जी। किसी तरीके की कोई कह दिए ये कारण कोई घटना जा कोई कह दिए कोई ज़्यादा वड्डा कोई हादसा का होना नहीं? कोई वड्डा नहीं हुंदा, छोटे मोटे मोटरसाइकिल कारां वगैरह लगदियां रहिंदियां जी। सो किदां दीआं जो प्रशासन नूं जो कह दिए उरे जिम्मेवारियां निभाउणियां चाहीदियां ने? इत्थे पुल बनना चाहीदा जी। जी, पुल सुनन दे विच तां आया कंस्ट्रक्शन इत्थे पुल बनना चाहीदा पर बन क्यों नहीं रहा? कुछ आंसर हुंदे आ दुकानां वाले रोकण वाले कि साडे अग्गा रुक जांदा। ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਰਾਹ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਜਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਜਾਮ ਹੈ। ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਈ, ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰ 'ਚ ਹੀ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ 'ਚ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਹੈ?
उधर ऑलरेडी पुल बन रहा है ते उदे करके सारा वो ब्लॉक है रोड पुल बनन दा जो टाइम सीगा कह दिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। लोग कह रहे ने कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया की वजह के पुल हजे तक नहीं बन पाया। ये पिछे तो हम देखो उही कंस्ट्रक्शन वाले ही दस सकते हैं की है क्योंकि बेसिकली की होंगे हर बार इदा ही होंगे जो टाइम पीरियड लिता जाता वे कद भी काम कंप्लीट नहीं होंगे जी। तो हूँ अगे इलैक्शन आ रहे हैं तो हूँ सारा काम आ जोड़ा वो स्मूथली अगे चलना शुरू हो जाए। एक अंकल जी बैठे थे उन्होंने गलबात की कह रहे हैं कि पुल उरे भी बनना चाहिए सी पर उरे कुछ दुकानदार ने बड़े की मतलब उन्होंने कहने का की मतलब कि दुकानदार ने बड़े दुकानदार बड़े इदा ही होंगे कि ये कुछ ना कुछ पोलीटिकल कनैक्शन होंगे आते कारण वो बिचों थोड़ा बहुत कुछ चाहिए होंगे आ करप्शन है अपने पहलों तो ही चलती आ रही है सारा कुछ है। इंटरनली देखो उही दस सकते जोड़े लोकल ने इतने के बट ये है कि बेसिकली साडा डेली निकलना आना जाना होंगे तो वो करके की है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो दूसरी चीज़ यह है जो बारिश होंगी है तो पानी का कोई सल्यूशन है ही नहीं गा वो पूरे लुधियाना सिटी की ही दिक्कत है जी। वो तो चलो स्मार्ट सिटी बन गई है बहुत छेती थोड़ी दिक्कत दूर हो जाए चलो होपसो हो जाए तो वधिया गल है। देखो आप गल करते हैं अजक जोड़ा यूथ है वो इसे इतों निकलना चाह रहे हैं क्योंकि इतने किधर निकलना चाह रहे अपना यूथ फॉरन जा रहा फैसिलिटीज़ मिल रही ने वो स्ट्रगल करने लिए रेडी ने मतलब कहना आप पंजाब जो कह दी जाए लुधियाना स्मार्ट सिटी है नहीं फिर स्मार्ट सिटी बस नाम का ही स्मार्ट सिटी है नाम का क्यों बहुत कुछ बन चुका स्मार्ट सिटी का देखने तो देख नहीं रहा भी एक सवाल होर का जवाब देख जाओ प्लीज़ क्योंकि लोगों की यह गल तुहाडी अपनी यह गल है कि लोग कह रहे हैं जो असं उरे फसते हाँ तो साढ़ा लखा करोड़ों हज़ार रुपए का जो तेल है कह दिए बाहरलिया कंट्रियां पैसा जा रहा सा कोई की सच्चाई है देखो ये बारे तो मैं कुछ नहीं दस सकता क्योंकि पता ही है सबनों पता है भी की हो रहा की चल रहा कि चल रहे सारे कनैक्शन सबनों क्लीयर ने कितना की मांग रखते हो प्रशासन तो प्रशासन तो मंग सिर्फ यही है कि अगर देखो आप हूँ आने वाली जनरेशन साडा वा चलो हूँ टाइम है जोड़ा निकल जाना है इदा ही कर दे क्योंकि इन्नी जल्दी तो सारा कुछ नहीं हो सकता जोड़ा आने वाली जनरेशन आप कुछ सोच के मतलब अगर कर सकी वैसे तो हूँ सरकार हाथ लग चुके हैं जो माहौल चल रहा सब देख ही रहा कि लोग गलिया पिंड कित भी वड़न नहीं दे रहे तो यही है कि अगर आने वाले हालात ना सुधरे तो इन्हों अगले पांच साल के जोड़े इलैक्शन आने वो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पैनी जी। थैंक यू भी थैंक यू सो मच। सो ये आम लोगों की कहानी है जो आम लोग कह रहे हैं गल्ला किदां दीआं गल्लां ने लोग दस ही रहे ने आपां नूं ट्रैफिक च फसे हुए लोग ने जां कह दीए कि अपना यूथ कह दीए जां पंजाब दी जवानी कह दीए फॉरन कंट्री अबराड कंट्रियां नूं भजदी जा रही है शायद सरकारां इसदा कारण हो सकदियां ने शायद कह दीए अपना सिस्टम जो कह दीए कि अपने यूथ दे जो हाथ विच कह दीए नहीं आ रहा कोई समझ नहीं आ रही कि की जो लोग कह रहे ने की कहानी है की नहीं। सो ये सी साडी अज दी रिपोर्ट इसे नाल मैनूं दिओ आग्या मैं जसप्रीत कैमरामैन नवजोत दे नाल देखदे रहो बने रहो जनहित ऐशी।